अस्सलाम वालेकुम, मैं लॉ इस्लाम एनएन चैनल से मुखातिब हूँ। नाज़रीन इकराम, आपकी खिदमत में कुछ अच्छी बातें पेश करती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद भी आएगी और आप उस पर अमल भी करेंगे। हराम चीज़ें इंसान को कभी सुकून नहीं दे सकती। इनमें से एक गैर महरम से ताल्लुक़ का होना भी है। औरत का पूरा जोर बेपर्दगी और फैशन परस्ती पर है, मगर फिर भी जिद करती है कि मर्द उसको इज्जत की निगाह से नहीं देखते। औरत जब अपने सर को नंगा करती है तो फरिश्ते उस औरत से दूर चले जाते हैं। ख्वातीन के अच्छे किरदार होने का अंदाज़ा उनकी औलाद की तरबियत से लगा। इस ज़माने से ये सबक सीखा, किसी के साथ मत चलो, अगर चलना भी पड़े तो हमेशा फासला रखो। तलख बातों और रवैयों के जवाब तो सभी को आते हैं, बस परवरिश जबान को थाम लेती है। जिसने परेशानी के अंदर अपनी पेशानी को सजदे में रख दिया, वो फकीरी भी बहुत दूर निकल गया। इंसान का हर दिन एक नया सबक लेकर आता है और शाम एक तजर्बा देकर ढलती है। रोजाना नीकियां करो और दरिया के अंदर डालते जाओ। जब कभी ज़िंदगी के अंदर तूफान आया तो यही नीकियाँ कश्ती बन जाएंगी। अल्लाह करीम रास्ते तो पहले ही बना देता है, मगर अता सिर्फ बेहतर वक्त पर करता है। दस्तरखान पर गिरा हुआ खाने का टुकड़ा उठाकर खाना रिस्क में बरकत और तकब्बुर को ख़त्म करता है और औलाद में खूबसूरती पैदा करता है। मर्तबा चाहते हो तो खिदमत करो, और इज्जत चाहते हो तो खामोश रहो। जो रोजी रोटी इंसान का मुकद्दर है उसे मिलकर ही रहेगी, कोई उसको घटा नहीं सकता और न बढ़ा सकता है। जख्मों को छुपाना भी एक हुनर है, वरना यहाँ तो हर एक के हाथ में नमक मौजूद है। कभी अपने मुखालिफ को अपने आंसू न दिखाना, उसके सामने हमेशा तुम्हारी मुस्कुराहट होनी चाहिए। ज़िंदगी में कभी किसी इंसान को इतना करीब मत करना कि वो तुम्हारे चेहरे से हंसी छीन ले। तुम्हारा अल्लाह पाक की रज़ा में राज़ी रहना रब करीम का तुम पर राज़ी होने का इशारा है। बुराइयां बुरे लोगों से नहीं बल्कि अच्छे लोगों के चुप रहने से फैलती है। सीखने के ज़राए तो बहुत है ज़माने में, मगर कहा जाता है ज़माना बड़ा उस्ताद है। नाज़रीन कराम, में उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छी बातें पसंद आई होगी। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, और लॉ इस्लाम एनएन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। बामान।